एक बार की बात है, समुंदर के किनारे एक गांव में छोटा सा लड़का रामू रहता था। रामू को समुंदर की बड़ी चाह होती थी और वह हमेशा समुद्री जहाज के कप्तान बनने का सपना देखता था। अपनी जीवंत कल्पना के जरिए वह खुद को कप्तान स्प्लैश बना लेता था। उसके विश्वास की ताकत को देखकर उसकी जादूगर पंचमा भी हर बार उसके साथ जहाज की यात्रा में शामिल होती थी। एक दिन रामू ने किनारे पर बहने वाली एक बोतल में संदेश देखा। बोतल का संदेश बहुत पुराना लग रहा था। संदेश में एक खोज की बात थी जिसमें एक रहस्यमय जगह पर छिपी एक खजाने की चर्चा हो रही थी। उस जगह को पाने के लिए बहादुर कप्तान की तलाश थी। रामू ने सोचा, हाँ यह मेरा मौका है। उसने पंचमा को भी साथ लेकर यात्रा शुरू कर दी। पंचमा और रामू की जोड़ी ने जहाज को समुंदर में उतार दिया। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया, तूफान और समुद्री जानवरों से लड़ते हुए भी। गहरे समुंदर में आगे बढ़ते हुए रामू को वहीं दिखाई दिया जहां उसे खजाना मिलने की उम्मीद थी। वह पल्म झूले बीच छिपी हुई गुफाएं और चमकते गहनों का ख्याल करता था। कई मुश्किलों के बाद रामू रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा। वहां खजाने का नक्शा पाकर पहेलियों को सुलझाया और अजीब गरीब जीवों से मुकाबला किया। एक गुफा में उसने एक खजाने को पाया। खजाने में चमकते हुए गहने और एक चमकदार गोला था। जैसे ही उसने गोला छुआ, उसमें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। रामू फिर से सामान्य हो गया। खजाने की वास्तविकता तो सिर्फ कल्पना थी, लेकिन बहादुरी और यात्रा से सीखा हुआ एक्सपीरियंस बहुत ही असली था। रामू ने यह जाना कि हर यात्रा, चाहे वो सच हो या कल्पना, उसे उसके सपनों के करीब ले जाती है। और इसी तरह कैप्टन स्प्लैश का साहसिक कार्य जारी रहा।